لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع خلقه بقدرته وبرهانه حميدا لم يذل محمودا لا يذل مجيدا لا يذل ومبديا ومعيد وكل امر اليه يعود الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المعيد والرسول المصدق والمحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه وبذيره بالولاية المنصوص والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة حق ميراث أبيها وسيد الشباب بأهل الجنة وآله الطيبين لا سيما على الحق الجديد وتلة الرشيد إمام المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهم السلام إن الحياة عقيدة وجهاد صلوات بعد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین گرام قادر عزاداران مظلوم کربلا فرش اعلی پہ آنے والے اپنے امام سے قرب حاصل کرنے والے اپنے دین اور مذہب و شریعت کو راضی رکھنے والوں خدا کی عبادت قرب خدا رضا خدا حاصل کرنے کا وسیلہ ذکر حسین یاد حسین اور مقصد حسین فرش ادائے حسین مجلس حسین یہ سب خدا سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ شاہ خراسان کا عشرہ
सवा पांच मुहर्रम हमारी ये छठी गुफ्तगू है, उन्वान है हुसैनी जिंदगी, हुसैन वालों की जिंदगी, हुसैन वालों की लाइफ। हुसैन आवाज देते हैं जिंदगी क्या है, जिंदगी असल में अकीदा है और उस अकीदे पे बाकी रहना है। जितना ज्यादा उस अकीदे पर कायम और दायम रहोगे, जिंदा रहोगे, आबाद रहोगे, शाद रहोगे। अकीदा है मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत खुदा है मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत रिसालत है मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत आले मोहम्मद है मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। लिहाजा आप हजरात की खिदमत में जो गुफ्तगू है वो इस एतबार से है कि हमें हुसैन इब्न अली के बताए हुए जिंदगी के एतबार से, हयात के एतबार से देखना है कि हुसैन किसे जिंदा समझते हैं, किसे मुर्दा समझते हैं। जो हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहे, हुसैन से मोहब्बत करे, हुसैन के मकसद से मोहब्बत करे, हुसैन के आजादारों से मोहब्बत करे। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत तोहफे इलाही है, अल्लाह का गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से हदिया है, तोहफा है मोहब्बत अहले बैत। इस तोहफे पर, इस अतिये पर हमें शुक्र अदा करना है ताकि हुसैन यहां भी हमें जिंदा रखें और आखिरत में भी हमें जिंदा रखें। खुश नसीब है वो अफराद जो आजादारी ऐसे माहौल में भी कर रहे हैं, हुसैन इब्न अली के जिक्र से गाफिल नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया है कि मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत आले मोहम्मद, हुसैन इब्न अली की मोहब्बत असल में मोहब्बत खुदा है। जिसे हुसैन इब्न अली की मोहब्बत मिल जाए वो असल में जन्नती है, और जो हुसैन के दोस्तों से मोहब्बत करने लगे वो भी जन्नती है। अजीजो, एक अजीम तरीन खजाना है मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम। यकीनन आले मोहम्मद के बाद बहुत खजाने हैं। उलूम आले मोहम्मद के लिए ये सोचिए कि आपके पास जो मोहब्बत है ये तोहफा है, गिफ्ट है, और इसको तोहफे पर, इस गिफ्ट पर हमें शुक्र अदा करना है, और इस एतबार से उस तोहफे पर गामजन रहना है। मोहब्बत अहले बैत हम पल्ले कुरान है, कुरान से उल्फत मोहब्बत उनसियत, उसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनसियत और मोहब्बत है। मोहब्बत के जिम्न में मैंने आपकी खिदमत में कल गुजारिश किया था कि मोहब्बत की कुछ अलामत है, कुछ निशानियां हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ अतवार हैं। हर दावा करने वाला मोहब्बत का हक नहीं रखता जब तक मोहब्बत की इताअत न की जाए, मोहब्बत की बुनियाद पर अमल न किया जाए। बात यहां तक पहुंची थी मेरे अजीजों कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके मुहिब्बों से मोहब्बत होने लगती है, और यही आजादारी जो हमें जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। इसलिए कि हुसैन से भी मोहब्बत जन्नती की अलामत, और हुसैन के दोस्तों से भी मोहब्बत करना जन्नतियों की अलामत। तो मेरे अजीजो, ये आजादार है, ये मातमदार है, ये जिक्र हुसैन करने वाला है,
ये मोहब्बत हुसैन पे गामज़न रहने वाला है, ये हुसैन इब्ने अली के ऊपर नियाज बांटने वाला, हुसैन के नाम पे पानी पिलाने वाला, हुसैन के नाम पे इंसानियत को जिंदा रखने वाला, लिहाजा मेरा है। तो हुसैन का मुहिब भी हमारा दोस्त, हुसैन के दोस्त को भी हम दोस्त माने। कल इसकी मिसाल मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश किया था कि मेहराज में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने पूछा, मेरे पैगंबर तुम दुनिया में किसे दोस्त रखते हो? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि परवरदिगार, चूंकि मैं तुझे दोस्त रखता हूं, तुझसे मोहब्बत करता हूं, दुनिया में जिससे तू मोहब्बत करता है उससे मेरी मोहब्बत है, इसलिए कि असल मुहिब तू है, तुझसे मोहब्बत है। लिहाजा अल्लाह ने आवाज दिया, दुनिया में मैं अली से मोहब्बत करता हूं। तो पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तेरे दोस्त से भी मोहब्बत करना मेरा फर्ज है। अगर ये इतनी बात हर इंसान को समझ में आ जाए तो हमारे सारे इख्तलाफ खत्म हो जाए। बस एक जगह पे ये सोच लो कि ये मेरे अली का चाहने वाला है, मेरे रसूल का मानने वाला है, मेरे हुसैन का चाहने वाला है, मेरे इमाम ज़मान का चाहने वाला है, फर्श अदा का मानने वाला है, लिहाजा मेरा है। जाती दुश्मनी खत्म हो गई, इख्तलाफ खत्म हो गए, कुदूरतें खत्म हो गई, खत्म हो गई, अब जोड़ लो। अब रहा मसला कि मैं एक मिसाल और दे दूं ताकि बात वाज़े हो जाए। मेरे अजीजों, बहारुल अनवार हयातुल कुलूम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सीरीज देखी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा के लिए पैगंबर इस्लाम की सिफत क्वालिटी बयान की। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों की तस्दीक की कि बेशक। यूसुफ ने पूछा कि तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं जो कह रहा हूं वो सच? कहा, यूसुफ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम जो भी बोलो वो सच है। तो यानी इसका मतलब यह है कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसकी बातों की तस्दीक करता है। मैं बहुत दूर तक जा रहा हूं, जो जा रहे हैं मेरे अजीजों उन्हें मेरा सलाम है। कहा, यूसुफ तुम सच बोल रहे हो इसलिए कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम कह रहे हो वो हकीकत है इसलिए कि मैंने सच्ची मोहब्बत तुमसे कही है, तुम्हारी हर अदा मुझे पसंद है इसलिए कि। जुलेखा ने कहा, जब आपने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो उनकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई। सुनोगे इसका सैलान अल्लाह ने क्या दिया कि चूंकि मैं हबीब को पैगंबर को दोस्त रखता हूं, अल्लाह ने कहा तो जो पैगंबर से दोस्ती कर ले वो मेरा दोस्त है। जुलेखा ने कहा कि जैसे तुमने रसूल का नाम लिया मेरे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। खुदा की तरफ से खिताब आया, यूसुफ जुलेखा दुरुस्त कह रही है, सही कह रही है, मैं भी उसे पसंद करता हूं इसलिए कि वो मेरे हबीब को पसंद करने लगी है, उनकी मोहब्बत दिल में उतर गई, इसलिए तुम जुलेखा को अपना लो। इतनी जगह पे यूसुफ दामन बचा रहे थे जुलेखा से, लेकिन एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ये मोहब्बत है पैगंबर की वजह से, इसलिए कि पैगंबर की मोहब्बत पैदा हुई, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत भी डाल दी और आवाज दिया, यूसुफ अब तुम भी अपने दिल में मोहब्बत डाल दो, इसलिए कि दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, हर आलम में इंसान जिसे दोस्त रखता है उसका दोस्त बन जाए। मोहब्बत की दर हकीकत खुदा ही की मोहब्बत है, महबूबे खुदा की मोहब्बत यानी रसूल की मोहब्बत असल में खुदा की मोहब्बत है। ज़ियारत जामिया में आप पढ़ते हैं, मेरा दीदो थोड़ा सा इल्मी गुफ्तगू हो जाए और लोगों तक पहुंचे, ये मुहर्रम के अशरे लोगों के लिए
एक खजाना होता है, पूरे साल वो सर्च करते हैं और इस जिम में जाते हैं और इससे नए नई नियुक्ते नई नई बातें समझते हैं। जितनी मर्तबा ज़ियारत जामिया में जुमला है, मन अहब्बकुम फकद अहब्बल्लाह, मन अबगदतुम फकद अज़बगल्लाह, जिसने तुम्हारे साथ मोहब्बत की आले मोहम्मद उसने खुदा से मोहब्बत की, और जिसने तुम्हारे साथ दुश्मनी की उसने खुदा के साथ दुश्मनी की। तो मेरे अदीदो, खुदा का दोस्त आले मोहम्मद, आले मोहम्मद से जो दोस्ती करे उसने खुदा से दोस्ती की, आले मोहम्मद से जिसने दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। यह है अकीदा। इस अकीदे को मुसलसल बाकी रखना कि खुदा का दोस्त हमारा दोस्त, रसूल का दोस्त हमारा दोस्त, अली का दोस्त हमारा दोस्त, हुसैन का दोस्त हमारा दोस्त, इमाम ज़मान का दोस्त हमारा दोस्त, ताकि खुदा की दोस्ती हो जाए। यह अकीदा मजबूत हो और इस पर मुसलसल चलते रहो ताकि हुसैन की जबान में तुम जिंदा करार दिए जाओ। इन्नल हयात अकीदतुम व जिहाद, हुसैनी लाइफ। मेरे अजीजों, एक दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या एक दिन में दो मोहब्बतें जमा हो सकती हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, नहीं। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा, तो क्या आप मेरे वालिद से मोहब्बत करते हैं, अली से? फरमाया, हाँ। शहजादे ने अर्ज किया, मेरी माँ से मोहब्बत करते? कहा, हाँ। फरमाया, क्या आप मेरे भाई हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं? कहा, हाँ। फरमाया, क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? कहा, बेशक। तो आपने फरमाया, दो मोहब्बतें एक दिल में जमा कैसे हो सकती? तो फिर खुदा की मोहब्बत के साथ हमारी मोहब्बत कैसे जमा हो सकती है? आपके दिल में तो खुदा की मोहब्बत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या बुनैया इन्नी हब्बुकुम यरजू इला हुब्बिल्लाह, ए मेरे बेटे, दर हकीकत तुम्हारी मोहब्बत खुदा की तरफ मोहब्बत बुलाती है, लौटाती है। ये खुदा के हुक्म से मैं तुम्हारी मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत करो खुदा के हुक्म है, अल्लाह ने कहा है औलाद से मोहब्बत करो, घर वालों से मोहब्बत करो, उनकी जरूरत को पूरा करो अल्लाह ने कहा है, माशरे कल्चर में एक साथ रहो अल्लाह ने कहा है, यूनिटी और इत्तेहाद को बरकरार रखो अल्लाह ने कहा है, दूसरों को सताओ नहीं अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इनसे हम मोहब्बत करते हैं। एक सलावात पढ़ दें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, तो मोहब्बत की एक अलामत और भी है, हमें अकीदे को मजबूत रखना है। अकीदा ही जिंदगी है, हयात है, अकीदा इंसानियत, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत, अकीदे विलायत, ये बाकी रहे, अकीदे आजादारी बाकी रहे, अकीदे राबता कनेक्शन आले मोहम्मद से, यह है जिंदगी की अलामत। मोहब्बत की एक अलामत ये है, जो चीज महबूब की तरफ मंसूब हो जाए, उसकी तरफ निस्बत हो जाए, उसकी तरफ जिसको देखने के बाद महबूब याद हो उनसे भी मोहब्बत करो। इंसान अपने बाप की निशानियों से मोहब्बत इसलिए करता है कि वो मेरे बाप की तरह मंसूब है। अजीजो, दुनिया में ये अंगूठी मेरे बाप की है, ये लकड़ी मेरे बाप की है, ये मुसल्ला मेरे बाप का है, मेरी माँ का है, तो ये चूंकि माँ बाप से मोहब्बत है, उनकी तरफ जो चीजें निस्बत कर जाए वो भी हमारी अजीज हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ जो मंसूब हो जाए वो महबूब हो जाता है। अब रसूल को कहते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, वलीउल्लाह, अल्लाह के वली, कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, बैतुल्लाह,
का घर ये अल्लाह से मोहब्बत है, लिहाजा अल्लाह की तरफ जो चीज मंसूब हो जाए वो मेरा महबूब बन जाता है। दर हकीकत खुदा से मोहब्बत है, असल में हमारी खुदा से मोहब्बत है। खुदा हुसैन को पसंद करता है, आजादारी को पसंद करता है, रवादारी को पसंद करता है, यूनिटी को पसंद करता है, आपस में जुड़े रहने को पसंद करता है, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखना खुदा को पसंद है। किसी की पामाली न करो, सबके साथ इंसानियत के साथ रहो, जुल्म न करो, ये खुदा को पसंद है। लिहाजा हम करते जाते हैं, ये खुदा की तरफ निस्बत है। मेरे अजीजो, आज महफिल शाह खुरासान का यह अशरा है, सारे मोमिनीन ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। भैया खुरासान इंडिया में है, क्यों चले आ रहे हो? ये आलम ताजिया जुलूस और ये सारी निशानियां मिंबर, इनका अदब एहतराम क्यों है? कहा कि असल में ये हुसैन की तरफ निस्बत है। अहले तशी यानी शिया जो हरम के दरवाजे जरिए मुकद्दस मिंबर को चूमते हैं, इसलिए कि ये सब मंसूब है निस्बत से, किसकी तरफ है? ये हरम हुसैन का है, ये जरी हुसैन की है, ये आलम हुसैन का है, ये ताबूत हुसैन का है, ये इमाम का है, ये सैयदा की है, ये निशानी है, उनकी तरफ निस्बत है। इसलिए उन तमाम चीजों से हमारी मोहब्बत हो जाती है, इसलिए कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मेरे साथ चलते आ रहे हैं मेरे अजीजो, मोहब्बत की एक अलामत बच्चों तक भी पहुंच जाए, बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाए, लेडीज जेंट्स तक पहुंच जाए, दूसरे लोग सुने उन तक भी पहुंच जाए कि हाँ आजादारी है क्या, हम आजादारी में क्या करते हैं। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं इसलिए हुसैन की याद मनाते हैं, इसलिए कि सब कुछ हुसैन ने खुदा के लिए कुर्बान कर दिया था। ये नमाजें ना होती, ये रुकू और सजदे ना होते अगर हुसैन ने कुर्बानी ना पेश की होती। मोहब्बत की अलामत में से एक अलामत यह है कि महबूब के साथ मोहब्बत खालिस हो, मिलावटी ना हो, चाहे किसी गैर में शरीक ना हो, जिससे भी मोहब्बत करते हो उसकी खालिस मोहब्बत हो। अल्लाह से मोहब्बत है तो शैतान से ना हो, अली से मोहब्बत है तो अली के दुश्मनों से ना हो, हुसैन से मोहब्बत है तो यजीदी किरदारों से मोहब्बत ना हो, यजीदी आमाल से ना हो। बिहारुल अनवार किताब नंबर, अनवारुन निअमा हयातुल कुलूब में एक रवायत है, एक मेल चिड़िया और उसकी फीमेल रहा करती थी। वो जो फीमेल थी वो कह रही है चिड़िए से कि आजकल मुझसे दूर क्यों रहते हो? उसने कहा तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो? हालांकि अगर मैं चाहूं तो तख्ते सुलेमान को समंदर में फेंक दूं। हंकने वाला ना, तकब्बुर करने वाला, मद हमेशा अपनी ताकत का जोर औरतों को दिखाता। मैं इतना बहादुर हूं कि मैं सुलेमान का तख्त, मैं समंदर में फेंक दूं। हजरत सुलेमान ने इसकी बात सुन ली, मुस्कुराए और उसे बुला के फरमाया क्या तू मेरे तख्त को समंदर में फेंक पाएगा? क्यों हांक रहा है फीमेल के सामने? अर्ज करने लगा नहीं हुजूर, लेकिन एक नर को अपने मादा के सामने अपनी तारीफ करनी चाहिए ताकि उसका मकाम मर्तबा बुलंद हो उसकी निगाह में,
कि मेरा मर्द पावरफुल है। हजरत सुलेमान ने चिड़िया से पूछा कि तू अपने नर के साथ जाने से क्यों कतराती है हालांकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसने अर्ज किया, मुझे मोहब्बत नहीं रखता, झूठा है, क्योंकि मेरे साथ दूसरे की भी मोहब्बत इसके दिल में है। इस बात का जनाबे सुलेमान नबी, हमने सुना ये वाकया, हमारे दिल पे असर कैसे हुआ? हजरत सुलेमान नबी के दिल पर असर हुआ और बहुत रोए, बहुत रोए। इतना तख्तो ताज, सारी कायनात, सारी दुनिया, सारी मखलूक पर हाकिम है, रहबर है सुलेमान नबी, फिर भी रोते हैं, गिरिया करते हैं। 40 दिन तक लोगों से छुप कर अल्लाह की इबादत करते हैं कि जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत हो, उसमें कोई और शरीक ना हो। कि हुसैन कहे एक घंटे तक तो ये इमाम बारगाह में हुसैनी बना रहा, बाहर रोड पे ये तो हमारे दुश्मनों का काम कर रहा है, घर में आया तो आजादारी नाम निशान नहीं है। इसके गुस्से, इसका तेवर, इसका रहन सहन, इसका अखलाक, इसका किरदार न बाजार में दिख रहा है, न कल्चर में दिख रहा है, न माशरे में दिख रहा है, न मुसल्ले में दिख रहा है, न सोते वक्त दिख रहा है, न घर में देख रहा है, न अपनों के दरमियान, न गैरों के दरमियान। हुसैन भी इसे पसंद नहीं करेंगे। 40 दिन सबसे अलग होके खुदा की बारगाह में गिरिया करने लगे, इबादत करने लगे, अपने दिल को सिर्फ उनकी मोहब्बत के लिए खालिस कर दिया, खुदा के लिए। सैफे सज्जादिया में 15 मुनाजात में नबी दुआ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इलाही मंजल लजी ज़ाका हलावते मोहब्बते फराम मिनका बदला। काश ये समझ में आ जाए, ये अकीदा है जो जिंदगी है, ये अकीदा है जो हयात है। ऐ मेरे परवरदिगार, कौन है ऐसा जिसने तेरी मोहब्बत का मजा चखा हो और फिर तेरे अलावा किसी और से मोहब्बत को अख्तियार कर ले, जिसे तेरे जिक्र का मजा मिल जाए, जिसे तेरे जिक्र की लज्जत महसूस हो जाए, वो तेरे गैर से कैसे मोहब्बत करने लगे? यही बिल्कुल सीधी बात, जिसे जिक्र हुसैन की लज्जत महसूस होने लगे, जिसे जिक्र अली में मजा आने लगे, जिसे जिक्र इमाम ज़मान में मजा आने लगे, वो फिर गीबत क्यों करेगा, बदमजा क्यों करेगा, हसद और जलसी क्यों करेगा, लड़ाई और इख्तलाफ क्यों करेगा, मोमिने की तौहीन क्यों करेगा, फितने फसाद क्यों करेगा? जो इसलिए कि वो उनको पसंद नहीं है। जब हमने इनके जिक्र की लज्जत महसूस कर ली, मेन चीज है टेस्ट, मेन चीज है लज्जत, किस में कितनी लज्जत मिलती है। और अगर इंसान को टेस्ट मालूम हो गया किसी चीज का, तो हर वक्त उसी की फिक्र में रहेगा, उसी की मजा। आपको खाने में क्या पसंद है? फला चीज पसंद है, उसका मजा, उसका टेस्ट जहन में आ गया, फिक्र में आ गया। मेरे अजीजों, जनाबे याकूब नबी ने पूछा कि मेरे बेटे यूसुफ को लोगों ने कुएं में डाल दिया, मेरे बेटों ने, और तूने उन लोगों पर अजाब नाजिल नहीं किया जिन्होंने मेरे बेटे को पर जुल्म किया। आवाज या याकूब, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भेजे हुए नबी पर कोई जुल्म और सितम करे, मैं अजाब नाजिल न करूं? का परवरदेगार, ये तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, सीने चौड़े चल रहे हैं, तू कहता अजाब नाजिल कर दिया। आवाज या याकूब, सबसे बड़ा मेरा अजाब यह है कि मैंने अपने जिक्र की लज्जत उनसे छीन ली, हर चीज में मजा आएगा, मेरे जिक्र में नहीं आएगा। हम ये सोचते हैं मजलिस कितनी देर हो गई, इतना नहीं, बाहर बैठे हुए घंटों मीटिंगें, बातें, गुफ्तगू सब होती रहेगी, लेकिन चूंकि जिन चीजों में लज्जत और मजा आता है वह है असल में रहमत इलाही,
खुदा न करे कोई अल्लाह अपनी लज्जत किसी चीज से छीन ले, फिर मजा नहीं आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अरफे के दिन दुआ फरमाया, अंत अल्लज़ी अज़ल्लत अल-अग़यार अला क़ुलूब अल-अहिब्बाक हत्ता लम यहब्बु सिवाक, तू ऐसी जात है कि तेरे साथ मोहब्बत करने वालों के दिलों से तेरे अग़यार की मोहब्बत ज़ायल हो चुकी है। तुझसे मोहब्बत हो गई तो तेरे दुश्मन तेरे गैर की मोहब्बत खुद ब खुद निकल गई, इसलिए कि ये मोहब्बत आती है तो हसद जलन बोझ दुश्मनों की मोहब्बत खुद ब खुद निकल जाती है। जनाबे आदम से पूछा गया, आदम ईमान है कहां कहां दिल में, एक तरफ हसद जलसी और एक तरफ ईमान, आदम कहां रखोगे, ईमान को कहा दिल में। हसद ने पूछा मेरा मकाम, कहा दिल का, दोनों एक साथ कैसे रह सकते। हसद आएगा तो ईमान चला जाएगा, ईमान आएगा तो हसद चला जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो अजीजों यह है गुफ्तगु, यह है कारनामा। अगर इंसान सच्ची मोहब्बत कर ले और आले मोहम्मद का सही मानों में दोस्त हो जाए तो तमाम फितने बला मुसीबतों से वो बच सकता है, लेकिन शर्त यह है कि हमारी मोहब्बत खालिस हो। हमारी मोहब्बत खालिस होगी तो हर फितने हर फसाद हर इख्तलाफ से हम बचने के जरिया हो जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि हमारी मोहब्बतें खालिस नहीं है, और खालिस अगर मोहब्बत हो जाए तो हर काम आसान हो जाएगा। मसला यह है जिंदगी में कभी कोई सच्ची बात याद करके खुदा से दुआ मांगो, देखें रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। बहुत डीप बात सुन रहे हैं आप, बड़े तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। ये याद रखिए, मजमा हो मजमे का चेहरा देख के गुफ्तगू करना, कुछ मजमा बोले कुछ जाकिर बोले। यहां तो अकेले बोलना पड़ रहा है और यकीनन आपके दिलों तक उतर भी रहा है और जा भी रहा है, तो लिहाजा मैंने सोचा थोड़ा खजाना है जो दे दें, इसकी कमी कमी बेशी न रखें बल्कि उंडेल दें। कभी आज यूज होगा, कभी कल होगा, कभी जमाने तक होगा, लोगों के लिए भी फायदेमंद और आपके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन शर्त यह है कि अमल सिर्फ खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी अमल को कबूल करने के बाद जाय नहीं करता और सारी नेकियां कबूल कर लेता है। अजीजो जब भी इंसान फर्शादा पे बैठे कोई खास चीज जो सिर्फ हमने अल्लाह के लिए की हो, जो सिर्फ हमने मौला के लिए की हो, जो सिर्फ हमने इमाम हुसैन के लिए की हो, उसके जरिए दुआ मांग के देखो, दुआ जरूर कबूल होगी। तीन लोग हैं जो गार में फंस चुके हैं, बारिश आई चाहा के पहाड़ में चले जाएं और बारिश खत्म हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। पता नहीं क्या है आलम, हर आदमी पहाड़ ही में जाके अपनी जिंदगी बचाना चाह रहा है। नबी बोला है तब भी जनाबे नूह बुला रहे हैं बेटा पहाड़ पे जा रहा है बच जाएंगे, पहाड़ पे गए गार में छुप गए, चाहा के बारिश खत्म हो हम निकले, लेकिन गार पे बहुत बड़ा पत्थर आके रुक गया जो रास्ता ब्लॉक कर गया बंद कर गया। अब रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा है, शेख सदूक ने भी लिखा है, अचानक पहाड़ का एक टुकड़ा टूटा और दरवाजा बंद हो गया, ये तीनों लोग उसमें फंस गए, मुसीबत में गिरफ्तार हो गए।
अब कोई बचा नहीं सकता सिवाय नेकी और सच्चाई। जब भी मुश्किल और परेशानी में, मेरी कीमती बात है याद रखिएगा मजलिस का मासल, जब भी कोई मुसीबत परेशानी दुख दर्द में फंस जाओ तो कोई नेकी का सहारा लो, कोई अच्छाई का सहारा लो। हम सोचते हैं जब फंस जाते हैं तो ये रिश्वत ले लो, वो सिफारिश ले लो, वो उनसे कहला दो, वो उनसे कहला दो, वो और मसाइल में फंस जाते हैं। लिहाजा मुश्किलात से बचने के लिए सिर्फ नेकी है, सच्चाई है। तीनों ने कहा आओ हम लोग भी, हर एक आदमी खुदा के दरबार में अपनी खालिस अमल, सिर्फ अल्लाह वाला नेक अमल करके दुआ मांगे, शायद हमारे अमल बारगाहे रब्बुल इज्जत में जो कबूल हो गया है उसकी वजह से हमें मुसीबत से बचा लिया जाएगा और हम लोग पहाड़ से निकल सकते हैं। एक आदमी ने कहा अय खुदा तू जानता है मेरे बूढ़े माँ बाप, एक बीवी, बच्चे थे, मेरे पास भेड़ बकरियां थी, उनको मैं चराता था, उनसे दूध निकालता था, घर लाता था, पहले माँ बाप को देता था। यानी असल में नेकी यह है कि पहले माँ बाप को खिलाओ, पहले माँ बाप को ऑफर करो, पहले माँ बाप को दो। माँ बाप असल में हमें इस दुनिया में लाने का सबब है, नेकियां पर्दा करने का सबब है। तरबियत औलाद पे नहीं पढ़ रहा हूं, माँ बाप का रुतबा और दर्जा पे नहीं पढ़ रहा हूं, वरना बातें और आती। इतना है कि इंसान की सबसे बड़ी नेकी अपने माँ बाप के साथ अदब एहतराम करना, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिद अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ एहसान है, वबिल वालिदैन, बिल बिल बे के जरिए। ऐसा नहीं है कि इंसान नौकर चाकर लगा दे और माँ बाप की खिदमत होती रहे। अल्लाह ने कहा नहीं, बिल वालिदैन, अपने हाथ पांव से माँ बाप के अदब एहतराम और खिदमत करते रहो। इसका सिला यह है कि अल्लाह के बाद की इबादत करार दी जाएगी। वो कहता है कि मेरे माँ बाप थे और दूध निकाल चुके थे, मेरे माँ बाप सो चुके थे, रात काफी हो चुकी थी, उसे मैंने साफ बर्तन में डाला, उनके सिरहाने ले गए माँ बाप के और देखा कि वो जाग नहीं रहे, बेदार नहीं है, उनको जगाना उनके लिए तकलीफ दे है तो उसे बर्दाश्त किया, उनके सिरहाने खड़ा रहा कि ये जागे तो मैं दूध दूं, इन्हें दूध पिला दूं तो अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं, यहां तक कि सुबह हो गई, मेरे बच्चे भूख की वजह से रोते रहे, लेकिन मैंने पहले बाप को, यह है खुलूस, यह है नेकी, यह है सिर्फ हमने बाप के लिए किया कि ठीक है बच्चे रोए तो रोए, मेरा बाप तो रोजा, इसलिए कि बाप की वजह से इंसान के अमाल कबूल होंगे, माँ की वजह से अमाल कबूल होंगे। वालिदैन की रजा खुदा की रजा है, वालिदैन का शुक्रिया खुदा का शुक्रिया है, वालिदैन की खुशी जिंदगी की खुशी का दरिया है। मैं जगाना बेहतर नहीं समझा, लिहाजा मैं सिरहाने खड़ा रहा, सुबह हो गई, बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, मैंने नहीं दिया। अगर खुदा तू जानता है कि मैंने वो काम सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए, तूने कहा है वालिदैन का अदब एहतराम करो, अगर सिर्फ ये काम मैंने तेरी खुशनुदी के लिए की है तो मेरी बला, मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी, मेरा दुख दर्द, मेरी बीमारी, मेरे इख्तलाफात, मेरी बेरोजगारी खत्म कर दे। इंसान कभी कोई एक काम खुदा के लिए जो किया उसे याद करके दुआ मांगे तो हर मुश्किल से निजात मिलेगी। अजीजों, अल्लाह अगर मैंने ये काम वालिदैन के अदब एहतराम के जो किया है उसे तेरे लिए किया है तो मेरी मुश्किल आसान कर दे। अब इतना कहा था कि पत्थर थोड़ा खिसका, उस कदर के थोड़ा सा आसमान दिखने लगा, सांस आने लगी। वो दूसरा आदमी, उसने अर्ज किया है खुदा
मेरे चचाजाद की एक बेटी थी जिससे मुझे मोहब्बत है। मैं एक दिन उससे मिलने गया, अपनी चाहत का इजहार किया। उसने कहा 100 अशरफी मेरे लिए लाओ तो फिर मैं तेरी बात मानूंगी। मैंने किसी तरह वो 100 अशरफियां जमा की और उसके पास गया, और जब उससे मैंने मुतालबा किया तो उसने कहा खुदा से डरो, एक लफ्ज का, खुदा से डरो, मेरा हक के महर ना तोड़ो, मुझे रुस्वा ना करो। पर उसकी बात सुनकर मैं उठा और 100 अशरफी उसे दे के चला गया। अरे खुदा, अगर मेरा ये काम तेरे नजदीक तेरी खुशनुदी तेरी रजा की खातिर है तो मेरी मुश्किल आसान कर दे। थोड़ा और पत्थर हिस्सा गार के दरवाजे से थोड़ा और हटा, अल्लाह अकबर, नेकी को याद करके दुआ मांगते जाओ, हमेशा कामयाब होते रहो। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। जजाक अल्लाह मेरा दीजो, सलामत रहे, आबाद और शाद रहे। ये बात खुलूस नीयत के साथ सुनो, लोगों तक पहुंचाओ, ये नेकी है। ये नेकी सिर्फ खुदा के लिए करो, खुदा बंदे आलम हमारी सारी मुश्किलात आसान कर देगा। तीसरा बोला, हे परवरदिगार, मैंने एक आदमी को आधे दिरहम पर मजदूरी के लिए बुलाया था और वो काम से फारिग हुआ और आधा दिरहम लिए बगैर चला गया। हम होते तो बचा, वो नहीं लेके गया तो मैं क्या करूं, किसी का हक मार देते। उसके बाद हम मुहिब्बे हुसैन, हक दो बंदों का भी खुदा का भी। आधे दिरहम पे उसे मजदूरी पे रखा और उसने काम किया, पैसा लिए बगैर चला गया। मैंने उस आधे दिरहम, कोई और होता बड़ा नेकूकार वो कहता आधा दिरहम यहाँ किनारे रख दो, जब आएगा तो ले जाएगा। उस आधे दिरहम के साथ हमने बिजनेस किया, तिजारत किया, उससे फायदा 10,000 दिरहम हो गए। कुछ मुद्दत के बाद वो आया, वापस आया, मैंने उसे 10,000 दिरहम दे दिए। अय खुदा, अगर तेरे नजदीक मेरा ये काम तेरी खुशनुदी के लिए था तो हमारी मुश्किल को आसान कर दे। उसके बाद वो पत्थर दरवाजे से दूर गिरा और तीनों आदमी बाहर निकल गए। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने भी सच बोला उसने नजात पाई। सच बोलकर खुदा के सामने हाजिर नाजिर हो जाओ और कहो कि मेरे परवरदिगार ये काम तेरे लिए था और यकीनन मुश्किल आसान हो जाएगी। अन नजात फिसद, नजात क्या है, सच्चाई में, धोखे में, फरेब में, झूठ में, बोहतान में नजात नहीं है। नजात सिर्फ सच्चाई में, अमल के सच्चे, जबान के सच्चे, दिल के सच्चे, रहन सहन के सच्चे और तौहीद में सच्चे, अकीदे में सच्चे हो जाओ ताकि जिंदा रहो। एक सलावात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, हुसैनी लाइफ, हुसैनी जिंदगी, जहां एक नेकी कबूल हो जाए तो इंसान कामयाब है, एक नेकी का अजर सवाब मिलता है। बहुत बड़े मोमिन मुत्तकी परहेजगार थे, महशर का मैदान है, हिसाब किताब हुआ कि सब बेकार, इतनी इबादतें, इतनी काविशें, इतनी जहमतें, इतना गिफ्ट, इतना तोहफा, सब जो बांटा है सब बर्बाद। अल्लाह जहन्नम का, रुको, तुम्हारा एक अजर सवाब है मेरे पास। सड़क पे एक नजिस जानवर कुत्ता भूख प्यास से मर रहा था, तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं था, एक जानवर के ऊपर भी मेहरबानी करने वाले के लिए अल्लाह अजर सवाब देता है। किसी के काम तो आओ, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह रख दो, प्लांट है उसमें पानी दे दो, किसी के काम आओ।
इंसान के काम आ जाओ, ढूंढो वक्त, हालात ढूंढो कि किसी के काम आओ, किसी से काम लो नहीं बल्कि किसी के काम आ जाओ। रात में हिसाब करो कि आज मैं किसके काम आया। क्या तुम्हारा एक अमल है, जब वो नजिस जानवर प्यासा मर रहा था, तुमने अपने शौक निकाले, अपने मोजे निकाले, उसे भिगाया और उसके मुंह में जाके निचोड़ दिया, ये अल्लाह को ये अमल इतना पसंद हुआ कि तुम्हारी सारी इबादत मैंने कबूल कर ली, एक जानदार की जान बचाने के सदके। सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जिंदगी और हयात है, हुसैन इब्ने अली ने जिंदगियां बांटी हैं, बच्चे कुर्बान हो रहे हैं तो हो जाएं, यहां तक के एक वक्त वो भी आया, हुसैन के अज्जा अंसार, हुसैन के घर वाले, हुसैन गरीब के खून, हुसैन गरीब के मुहिब भी राह परवरदिगार में जा रहे हैं। ये मंजर हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? आन मोहम्मद से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यही कहा था, मेरे लाल कर कुर्बानी का दिन है। शबे आशूर हुसैन खैमे में गए हैं, जनाब ज़ैनब रो रही, मेरे लाल कल कुर्बानी का दिन है, सबसे पहले तुम कुर्बान हो ना, अपने मामू पे कुर्बान। हाँ अम्मा जान, कल सुबह होने दीजिएगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि अली वाले कैसे होते हैं, हसन मुस्तफा के औलाद कैसे होते हैं, और अब्दुल्ला जैसे बहादुर का बेटा आन मोहम्मद कैसे होते हैं। अदादारों दिन हुई, मां बार बार तकरार कर रही है, ए मेरे लाल, सब कुर्बान हो रहे हैं, तुम मैदान में नहीं जा रहे। अम्मा मामू जान इजाजत नहीं दे रहे। बहुत से वाकयात और रवायत के जमने में ये बात है, लेकिन हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों, हुसैन के मानने वालों, रवायत में है, जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फिज़ा से फरमाया, जरा मेरे माजाए को बुला तो लाओ। जब इमाम मज़लूमे करबला ने बहन का पैगाम सुना तो फरमाया, अम्मा फिज़ा, मैं समझ गया हूं कि ज़ैनब मुझे क्यों बुला रही हैं, मैं किस तरह बच्चों को कत्ल होने की इजाजत दे दूं। अज़ादारो, जनाब फिज़ा ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से हाल के अर्ज किया, फरदंद रसूल खैमे में आ गए, तशरीफ लाने में तामुल कर रहे हैं, रुक रहे हैं। अज़ादारो, हुसैन के ऊपर कितना वक्त आ गया, बहन आवाज दे रही है, मेरे माँ जाए को बुला लाओ। अजीजो, तो जनाब ज़ैनब ने जनाब अब्बास को बुलाया, जब हजरत अब्बास खैमे में तशरीफ लाए तो फरमाया, अब्बास तुम जाकर हुसैन के बच्चों को मैदान कारजार की इजाजत ले आओ ताकि मेरी तशवीश दूर हो जाए। लिखा है, जब जनाब अब्बास मौला इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, अब्बास सानिये जहरा के बच्चों के बारे में बात न करना, मैं जानू ज़ैनब जाने। हजरत अब्बास खामोश हो गए। हजरत अब्बास की खामोशी की खबर जनाब ज़ैनब को हुई, फरमाया, माफ़िज़ा, एक मर्तबा फिर तुम हुसैन के पास जाओ और उनसे कहो कि खैमे में बहन ने याद किया है। जज़ाकअल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, बड़ा बहुत सख्त मसाइब है। आए अली की बेटी, अली की बेटी, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा फिर हुसैन के पास जाओ और उनसे कहो कि खैमे में बहन बुला रही है। हुसैन इब्ने अली, अगर आप खैमे में नहीं आए तो ज़ैनब चादर तत्हीर पहन के बाहर आ जाएगी आपसे मिलने।
अजादारों जब ये मेरे मजलूम इमाम ने बहन का ये पैगाम सुना तो फौरन खैमे में तशरीफ लाए, बहन के सामने सर झुका के खड़े हो गए। हजरत ज़ैनब ने भाई के गले में बाहें डाल दी और रो के फरमाया, फरजंदे रसूल एक मसला पूछना चाहती हूँ, वो ये है। ज़ैनब बच्चों की शान ज्यादा है या फरजंदे रसूल की शान बुलंद है? मैं इतना सुनकर हुसैन रो रो के फरमाया, ज़ैनब मैंने बच्चों को इजाजत दे दी। शहजादों को जब इजाजत मिली तो खुशी से भूल गए और फरजंदे रसूल का शुक्रिया अदा करते रहे। मैदान के कारजार की तरफ मैं नहीं पढ़ता, कैसे तैयार हुए, कैसे रुखसत हुए। औना मोहम्मद मैदान में है, हुसैन एक टीले पे बुलंदी पे खड़े, फिजा खैमे के दरवाजे पर, जनाब ज़ैनब मुसल्ले पर, जनाब ज़ैनब की निगाह फिजा पे, फिजा की निगाह हुसैन पर, हुसैन की निगाह मैदान पर। बस बच्चे ने जंग शुरू की, इस अंदाज से अशकिया पे हमला किया, रूहे जनाब हैदर करार ने दादे तहसीन दी, जाफर तैयार के पोते ने इस तरह हमला किया कि मैदान में भगदड़ मच गई। दोनों तरफ शहजादों ने उमर साद के खैमे पे हमला कर दिया। उमर साद खैमे की पुश्त से निकलकर भागा, फौज को गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हो गया, ये दोनों शहजादे हजारों को भगा भगा के फिरा रहे हैं, तुम लोगों इन्हें घेरो और जल्दी से कत्ल करो। अजादारो रवायत कहती है, शहजादों ने अपने घोड़े फुरात की तरफ बढ़ाए। यह सुनकर जनाबे ज़ैनब को बड़ी तशवीश हुई, कहीं शहजादे पानी न पी ले। ये ख्याल कर ही रही थी कि मैदान से आवाज बुलंद हुई, अबन रसूलल्लाह। अदरकनी फिजा ने अर्ज किया, बीबी हुसैन बैठ गए, फिर खड़े हुए, फिर बैठ गए, उठकर मैदान की तरफ रवाना हो गए। बस यूं समझो हुसैन टीले से गिरे, फिजा दरवाजे पे गिरी, अरे ज़ैनब मुसल्ले पर सजदे में गिरी। परवरदिगार तेरा शुक्र, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। यह है मोहब्बत हुसैन। अदादारो मेरी मेहनत रंग लाई है, मुझे सुरखुरु कर दिया मेरे बच्चों ने। जब इमाम आली मकाम दोनों बच्चों के लाशें को खयाम में ले आए तो सैदानियों ने लाशें को गले से लगाकर रोना शुरू किया। जनाबे ज़ैनब बार बार बच्चों की पेशानी को बोसा देती है, फरमाती थी, औलो मोहम्मद तुमने अपना वादा सच करके दिखा दिया। अजादारो जब सैदानियों ने जनाबे ज़ैनब को बच्चों को पुरसा दिया तो आपने फरमाया, औलो मोहम्मद के पुरसे की कोई जरूरत नहीं, दुआ करो बुतूल का लाल बन जाए मेरा भैया हुसैन। मेरा हुसैन बच जाए। अजादारो अजादारो यजीदी लश्कर का मौर्रख हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, 11वीं मुहर्रम को काफिला आले मोहम्मद का कैद होके जब चला है तो मक्तल से गुजरे हैं। सैदानियों ने अपने वारिसों के लाशे से अलविदा कहा, इजाजत मांगी। अशकिया ने जब इजाजत दी तो सैदानियों ने अपने वारिसों के लाशे पर पहुंचकर, मगर दो लाशे ऐसे थे जिन पर रोने वाला कोई नहीं था। जब मैंने हमीद कहता जब मैंने पूछा कि क्या इन लाशों का वारिस नहीं है तो मालूम हुआ ये दोनों बच्चे ज़ैनब के बच्चे हैं। मैंने सानिया ज़हरा से अर्ज किया, आप पर भी तो दो आंसू बहा लो ना मोहम्मद। फरमाया, उनके फरजंद रसूल पर सदका कर दिया, मुझे हुसैन के रोने से फुर्सत नहीं। मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, मैंने ओनो मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमि ज़ालिम, سيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلب। अल्लाह इस तरह हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमा, राय हुसैन में कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा, तमाम फितने आफात और बलाओं से हमें महफूज फरमा, हमारी सजादारी को कबूल फरमा। जिन लोगों ने अजादारी में नमाज किया है परवरदिगार उनकी जायज मुरादों को पूरा कर, उन्हें आफात और बलाओं से महफूज फरमा, इज्जत और कामरानी की जिंदगी इनायत फरमा, फिर रोजियों बरकत इनायत फरमा, उन्हें आजादार हुसैन बना।
امام زمان کے سپاہیوں میں قرار دینا، امام زمان ان سے راضی ہو جائیں۔ بحق الزہرا، بحق زینب سلام اللہ علیہا، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔ علی لعنت اللہ۔